एलविश यादव अभिषेक मनहान से भी ज्यादा है इस यूट्यूबर की कमाई। सब्सक्राइबर्स के मामले में भी है आगे। जाने नेटवर्थ यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल इन दिनों बिग बॉस 17 में अपनी एंट्री को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में बिग बॉस वाला लोगो लगाया था, जिसके बाद उनकी एंट्री को कंफर्म माना जाने लगा है। ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं उनकी नेटवर्थ और सब्सक्राइबर्स के बारे में बताते हैं। सलमान खान का शो बिग बॉस 17 इन दिनों काफी चर्चा में है। इसे जल्द ही ऑन एयर किया जाने की उम्मीद है। बिग बॉस OTT2 यूट्यूबर्स का बोलबाला देखने के लिए मिला। एलविश यादव ने शो की ट्रॉफी को जीत कर इतिहास रच दिया। अभिषेक मलहान और मनीषा रानी की पॉपुलरिटी भी खूब देखने को मिली। उन्होंने दर्शकों को खूब इंटरटेन किया। ऐसे में अब बिग बॉस के सीजन 17 में कई नामी यूट्यूबर्स को लाने की चर्चा हो रही है। इसमें एक नाम हर्ष बेनीवाल का बताया जा रहा है, जिसे कंफर्म माना जा रहा है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बिग बॉस का लोगो लगाया था, जिसके बाद से उनकी एंट्री को लोग कंफर्म मान रहे हैं। ऐसे में चलिए आज आपको उनके बारे में बता रहे हैं। वो कमाई और सब्सक्राइबर्स के मामले में एलविश और अभिषेक को टक्कर देते हैं। हर्ष बेनीवाल फेमस यूट्यूबर्स में से एक है। उनके मिलियंस में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। वो कॉमेडी करते हैं और अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीत लिया है। इतना ही नहीं, वो यूट्यूबर्स के साथ साथ एक एक्टर भी हैं। वेब सीरीज कैंपस डायरीज में उन्होंने काम किया है। दर्शकों द्वारा उन्हें इसमें काफी पसंद किया गया है। इसके पहले उन्हें करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी देखा गया था। रिपोर्टर्स की माने तो हर्ष बेनीवाल 8 सालों से यूट्यूब पर एक्टिव हैं और अपने वीडियोस बना रहे हैं। उन्होंने 2015 में यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो वो $3 मिलियन की संपत्ति के मालिक हैं। अगर इसे भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये करीब 25 करोड़ के बराबर है। इतना ही नहीं, हर्ष बेनीवाल के यूट्यूब पर 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इस पर 1.7 बिलियन से ज्यादा व्यूज भी हैं, जो कि एलविश यादव से ज्यादा हैं। एलविश यादव और अभिषेक मलहान की नेटवर्थ 20 करोड़ बताई जाती है। वहीं अगर हर्ष की कमाई की सोर्स के बारे में बात की जाए तो यूट्यूब के अलावा बेनीवाल ब्रांड एंडोर्समेंट, मर्चडाइज सेल्स और कई बिजनेस से कमाई करते हैं। उन्होंने कई तकनीकी स्टार्टअप में भी इवेंट किया है। इसमें ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म और एक हेल्थ टेक स्टार्टअप जैसी चीजें शामिल हैं। उनके पास मर्सिडीज CLA, बैक्स वैगन, पोलो, टोयोटा फॉर्चूनर और अन्य शानदार कारों का कलेक्शन भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी न्यू अपडेट, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता रहे। ऐसी ही न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वहाँ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।